नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज मेरे साथ मौजूद है मनीष बसोया जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनसे मैं जानूंगा कि आखिर क्यों ये चुनाव नहीं लड़ पाए, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने इनको चुनाव के टाइम पर टिकट नहीं दी। शायद मेरे जो कास्ट वाले लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी संख्या कम थी और जो विधायक के जो ब्राह्मण लोग रहते हैं उनकी इस वार्ड में संख्या काफी ज्यादा थी, हो सकता है इसलिए टिकट ना दी गई हो। अगर आप ये मानते हैं कि कैसी जाति को मुद्दा बनाकर आपको टिकट नहीं दी गई थी? जी बिल्कुल, जाति को मुद्दा बनाकर मुझे टिकट नहीं दी गई थी, क्योंकि मैंने दो साल में या डेढ़ साल में जितना भी मैं विधायक जी के साथ रहा, मैं भाई की तरह रहा, वो मेरे बड़े भाई थे, मैंने बहुत काम किया वार्ड में, उनके थ्रू ही काम करना पड़ा। पर जिसको टिकट दी गई वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाहर रहता था, पंजाब रहता था, वो अपना सिर्फ काम देखता था, सिर्फ शनिवार इतवार वो सिर्फ सफेद कुर्ते पजामे पहन के और अपने मुंह पे झूठी हंसी लेके विधायक कार्यालय आ जाता था। हो सकता है कि वो ब्राह्मण था इसलिए उसे टिकट दी गई, मैं गुजर था मुझे टिकट नहीं दी गई। मेरे से यह कहा गया कि आपकी संख्या 4270 है और ब्राह्मणों की संख्या इस मोड़बंद वार्ड में 20,000 है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 20,000 ब्राह्मण थे तो महेश लोहिया जी क्यों जीते? वो भी तो मेरी कास्ट से ही है, वो भी गुजर है, वो क्यों जीते? आपने सिर्फ गुजर और ब्राह्मण देखना था इस वार्ड में या क्षेत्र को अच्छा प्रतिनिधि देना था? मैं आज सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ विधायक जी से कि आज विधायक जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो गुजरों के घर जा रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, आज क्या जरूरत पड़ गई? आज अगर बदरपुर क्षेत्र में सिर्फ 16,000 गुजर हैं और 2,00,000 से ऊपर ब्राह्मण हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं उन 16,000 लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? आज विधायक जी को 3-3 मंडल अध्यक्ष गुजर बनाने पड़े हैं। आप बदरपुर में जाते हो, गुजरों के घर जा रहे हो, उनके घर जाके उनसे ये कह रहे हो कि आप ज्वाइनिंग करो, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, कहां गए वो क्षेत्र के ब्राह्मण? क्या विधायक जी का साथ नहीं दे रहे हैं? आज विधायक जी को गुजरों की आवश्यकता है, हम उनके साथ आज भी खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे, आज भी वो हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है कुछ भेदभाव मन भेद हो जाते हैं चुनाव के बाद हो जाते हैं, पर आज भी हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों योगिंदर भट्ट जी को ही चुना गया? बल्कि अगर देखा जाए तो योगिंदर भट्ट जी का इतना विधायक के साथ उठना बैठना नहीं था जितना आपका था। वो योगिंदर भाई जो है वो विधायक जी के भाई हैं, भाई ब्राह्मण है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, वो चुनाव से पहले लगे हुए थे, मैं चुनाव के बाद आया था, जब विधायक जी विधायक बन चुके थे मैं उसके बाद आया था। पर हाँ, काम को प्रेफरेंस नहीं दी गई है, सिर्फ जाति को प्रेफरेंस दी गई थी इसमें। टिकट का जो चुनाव करना था वो गलत हुआ, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे मीठापुर हो या मोड़बंद हो, मैं नहीं जानता कि किस वजह से वो टिकट का जो वितरण था वो किया गया। पर हाँ, ये चारों टिकट बहुत गलत दिए गए, जिसको दिया जाना था उनका कहीं नामो निशान नहीं था, चाहे वो यूएन मिश्रा जी की पुत्र वधु हो, वो भी चुनाव के बाद आए थे, यही समझ में नहीं आया कि उनको भी टिकट क्यों दिया गया। सर, अगर एनटीपीसी ग्राउंड से कूड़ा हटा दिया जाए तो क्या ऐसी कोई बदरपुर में जगह है जहां वो कूड़ा ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बिल्कुल है, मोड़बंद में जो अपनी खाने पड़ी है 28 एकड़ की खान है, इसमें भी अभी भी कूड़ा डल रहा है, दो चाहे वो पहले भी डल रहा था, बस दिक्कत यह है कि जयपुर का कूड़ा जयपुर में डाला जा रहा है, अगर वो कूड़ा भी इस 28 एकड़ में डाल दिया जाए तो एक तो ये भराव जल्दी हो जाएगा इसका थोड़ा सा, और दूसरा वो एनटीपीसी से अगर आप उन एनटीपीसी के चेयरमैन हैं जो भी हैं उनसे बात की जाए, अभी तक किसी भी विधायक ने किसी भी नेता ने ऐसी बात नहीं करी है कि बच्चों के खेलने के लिए कोई चीज बनाई जाए यहाँ पे, उनका कोई विचार ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अलावा कोई काम नहीं है किसी को भी। अभी पिछले ही हफ्ते हमारे चैनल ने कवरेज करी थी तो यहाँ पर एमबीडी के द्वारा दुकानें तोड़फोड़ की गई थी सरजी चौकम मंडी में, तो वहां पर तोड़फोड़ की गई थी और विधायक जी वहां पहुंचे थे, फिर भी तोड़फोड़ नहीं रुक पाई, क्यों आखिर हुआ? देखिए, चौकम जी की मंडी का तो मैं कहूं कि वो उनका और पूर्व विधायक का आपस का कुछ ना कुछ है, इसलिए चौकन जी को फोकस करा जाए या कि कुछ भी करा जा रहा है मैं उसको नहीं कह सकता। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि एमसीडी अगर वो तोड़ रही है तो वो इंक्रोचमेंट को हटाने आई थी, ना कि दुकानें तोड़ने आई थी, इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट थी, वहां रोड जो है वो संकरा हो चुका है। देखिए, जब से चुनाव योगेंद्र भाई हारे हैं मुझे नहीं लगता कि वो क्षेत्र में नजर आए हैं कहीं भी, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका दोबारा से फोकस अपने काम पे है, वो सोमवार से शुक्रवार तक अब भी पंजाब में रहते हैं, क्योंकि उनका अपना काम है पंजाब में तो वो पंजाब चले जाते हैं, सैटरडे और संडे सिर्फ बदरपुर के क्षेत्र में रहते हैं, वो भी सिर्फ विधायक कार्यालय तक, वो भी विधायक जी कहीं जाते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, क्षेत्र में ना ही वो कहीं किसी के पास गए हैं ना ही उन्होंने ये समझ
समस्या देखी है कि महेश लोहिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है सफाई के ऊपर या अभी डेंगू मलेरिया जो था उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। पिछले साल फॉगिंग की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, हमने लोगों ने गली गली फॉगिंग करी थी। अब चुनाव हारने के बाद ना तो इस आम आदमी पार्टी ने फॉगिंग करी है पूरे बदरपुर क्षेत्र में, मोड़ बंदवाड़ में, वो कहां गए कार्यकर्ता? कैमरामैन विकास के साथ हनी सहगल, मोबाइल न्यूज 24 दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं निर्मल सिंह। आज आपकी मुलाकात सिख यूथ इंटरनेशनल पीस के चेयरमैन व समाज सेवी हरचिंद जी से करवाता हूं। इनसे जानते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिन्होंने सिख पंथ के लिए क्या किया। हरचिंद जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जी फतेह, मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारी दर्शक भी जानना चाहेगी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और सनातन धर्म के लिए जो उपकार किए, उन उपकारों के ऊपर या उन्होंने जो समझाया सिख पंथ के लिए, क्या सिख पंथ उनके रास्ते पे चल रहा है? छोटी सी बात से मैं स्टार्ट करूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले ये बोला था, मानुष की जात एक पहचान हो। जी जी, उसमें सिर्फ इतने शब्द में उन्होंने पूरे सिख समाज को मानवता की रक्षा के लिए संत सिपाही बनाया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी पहले गुरु गोविंद राय ही था। अच्छा, उन्होंने दोनों बनाए, संत हाँ, और सिपाही दोनों संत बनाया। और सिपाही उन्होंने बनाया इसीलिए कि पहले उनका नाम भी गुरु गोविंद राय था। ये पंज प्यारों को जो अमृत छकाया गया, फिर उनसे अमृत छक के उन्होंने अपना नाम भी सिंह में लिया और उन पांच प्यारों को भी सिंह बनाया और उनसे फिर खुद अमृत छकने के बाद अपना नाम गुरु गोविंद सिंह किया। मानवता के लिए उन्होंने एक ही बात पूरी सिख धर्म को और सिख कौम को, सिख पंथ को यही समझाई कि आपने मानवता किस तरह से करनी है। आज भी आप देश के क्या, देश तो क्या, दुनिया में देख लीजिए, सिख पंथ के लोग, सिख समाज के लोग पूरी मानवता के साथ काम करते हैं। चाहे कहीं परले आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन सिख समाज वहाँ लंगर, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें लेके सबसे पहले सिख समाज के लोग पहुँच जाते हैं। पूरी दुनिया जो है आज सिख समाज के कदर इसलिए कर रही है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, चाहे आप कनाडा में देख लें, चाहे आप यूके में देख लें, चाहे आप अमेरिका में देख लें, चाहे आप पाकिस्तान में देख लें, यहाँ तक कि आधी दुनिया के कंट्रीज जो हैं आज सिख अपनी आर्मी में सिख आर्मी बनाने को तैयार। यहाँ तक की यहाँ सिख आर्मी आपकी ऑस्ट्रेलिया में सिख आर्मी है, कनाडा में सिख आर्मी है, कनाडा में एयरफोर्स में सिख है, चाहे वो राजनीति की तरफ से है, एक प्राइम मिनिस्टर सिख है, मेयर बाहर के सिख है, दूसरी कंट्रीज में मेयर सिख हैं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में जो हैं जिनसे हमारा राजनीतिक विचार नहीं मिलते, वो भी आज पाकिस्तान जैसे कंट्री, वो भी आज अपनी आर्मी में सिखों को ले रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी कि जो है ये सिख पंथ ये आखिर बनाया, तो बनाने का जो है मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना सिख धर्म में उन्होंने मानवता जगाई है, मानवता धर्म की रक्षा सिख समाज ने की। वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सिख समाज की सिख धर्म की रक्षा करनी है, कोई भी धर्म है उसकी रक्षा के लिए सिख आ गया है, संत सिपाही बनाया, जो बनाया है वो ये नहीं कि सिर्फ वो सिख धर्म के लिए, वो दूसरे धर्मों के लिए भी बनाया। मानवता यह है कि इंसान है जो उस सृष्टि से पैदा हुआ इंसान है, उस इंसान की कदर कैसे करनी है, उसकी दुख तकलीफ को कैसे समझना है, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए, वो सिख धर्म करता है। आज भी लंगर है, चाहे वो दवाई है, कुछ भी है, उसके लिए सिख समाज सबसे आगे होता है। ये तो सिख समाज को वो प्रसाद में मिली है, मानवता जो है हमें प्रसाद में मिली हुई है, वो प्रसाद ही हमारे अंदर बस रहा है, वो मानवता ही इस सिख समाज में बस रही है। इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हरचिन जी ने अभी बताया कि आज सिख पंथ जो है विश्व स्तर पे बढ़ चढ़कर पहुंच रहा है और परमपिता परमेश्वर की कृपा से बहुत आगे है। पूरी की पूरी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरचिन जी आपका इस जानकारी को देने के लिए। मैं निर्मल सिंह, मोबाइल न्यूज़ 24 के लिए।